चलो 26 से काम करो, स्टार्ट करो करना। ये भी मेरे ख्याल से रूट आ जाता है, स्क्वायरिंग करी थी इसमें भी, क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या गिवन है, किसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है? सरफेस एरिया गिवन है। किसका सरफेस एरिया गिवन है? मैक्सिमम वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, सरफेस एरिया गिवन है। सिलेंडर की बात हो रही है बच्चा, कौन सिलेंडर, किसकी बात हो रही है? कौन, कौन की बात हो रही है? कौन का मुझे सी एस दे रखा है, टी एस दे रखा है? टोटल सरफेस एरिया की बात, सरफेस एरिया बोल रहे हैं तो मतलब टोटल की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ सरफेस एरिया बोलते हैं मतलब टोटल की बात कर रहे हैं, यानी कि मुझे कोन का टोटल सरफेस एरिया गिवन है। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया कोन का? पाई आर ब्रैकेट में पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये मुझे गिवन है, मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो दैट ये तो अलग कंडीशन है सेमी वर्टिकल एंगल वाली। अब आप मुझे बताइए आप वैल्यू किसकी कैसे निकाल रहे हो, किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? मार्क की एल वाले फॉर्मूले। सबसे पहले क्या किया, मेरा ये जो टर्म था दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, तो एल की टर्म क्या होती है, एल क्या होता है मेरा? रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसकी जगह लिख दो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इनटू एच। क्या मैं आर स्क्वायर की जगह लिख सकती हूँ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर? वैसे तो मैं एच की जगह भी वैल्यू डाल सकती थी दैट इज रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बट मुझे लगता है वो रूट में चला जाएगा, तो जस्ट मैंने रूट अवॉइड करने के लिए आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल डाली है। सही जा रही हूँ ना? बिल्कुल। मैंने क्या किया, एल की टर्म्स में लाना था तो एल की टर्म्स में ले आए। अब यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन एल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर ही निकलेगी, तो कोई फायदा नहीं है, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। That is x square is equal to l square minus r square root. ये करना पड़ेगा, मुझे नहीं लग रहा कोई दूसरा ऑप्शन है। अब रूट के लिए बेटर है क्या करूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब रूट के लिए जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, 1/9 पाई स्क्वायर आर फोर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम l की वैल्यू निकाल लेते हैं, l कितना हो जाएगा, h की वैल्यू निकाल ली है अपॉन में पाई आर। क्या कर रहे हैं बेबी, हमने h की वैल्यू निकाली है r की। बच्चा मुझे तो वन वेरिएबल में लाना था, अगर तो मैं यहाँ पर l की वैल्यू निकाल रही हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ r हो जाए। सही जा रही हो? बिल्कुल। मुझे क्या करना था, मुझे पूरे क्वेश्चन को वन वेरिएबल बनाना था, तो वन वेरिएबल में आप इधर देखिए क्या TSA में कहीं h है इसके अंदर कहीं h? तो अगर मैं इससे h की वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकती, तो अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ h ले भी जाऊं तो यहाँ से h की वैल्यू निकालना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं इसे चुपचाप l की वैल्यू निकाल रही हूँ, इसमें h की जगह l square minus r square डाल दिया, l की वैल्यू जो इधर से निकाली वो पुट कर दी। अब बताओ थोड़ा बहुत ठीक है मैंने क्या किया, दैट इज ये हो गया। आप सिंप्लीफाई करते हैं 1/9, इसकी कैलकुलेशन खराब है मैं आपको फिर बता दूं, इसकी कैलकुलेशन काफी खराब है बिल्कुल, एक तो दिख भी रही है और पता भी चल रहा है। दैट इज पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एलसीएम लिया, पाई स्क्वायर आर सिक्स, ये जो कैंसिल आउट हो रहा था उन्हें कैंसिल आउट कर दिया। अब इसमें ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई आपको खुद करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू पाई आर स्क्वायर एस माइनस पाई स्क्वायर आर सिक्स। अब आप इसका डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू आर इक्वल टू जीरो। कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, खुद भी करा रही हूँ। ये वाला स्टेप मुझे ध्यान रखना है कि मुझे इसे वन वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करना है, एच की जगह वैल्यू डालनी है और फिर यहाँ पर ये पुट करना है। हाँ जी बेबी सही जा रही हूँ बिल्कुल। क्या कर रही हूँ, आगे का कैलकुलेशन प्लीज आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, एक बार ही ट्राई कीजिएगा, नहीं होगी तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर हुआ कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 26।